नमस्कार, मोबाइल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। पेश है 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। लॉकडाउन के दौरान आप केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो निराश ना हो, हम आपको वहां की संध्याकालीन आरती का दर्शन करवाते हैं। प्रवासी कामगारों को अपने घर में लाने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में सरकार द्वारा की गई बसों की व्यवस्था से कामगार लगातार आ रहे हैं, जिन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। तिवारी है, मैं जौनपुर जिला में रहता हूं और मैं बरसदी मेरा ब्लॉक है। मेरा गांव कोहरा हरद्वारी कोहरा गाँव है। मेरा कोहरा गाँव है। मैं योगी सरकार को बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं वहाँ पे बहुत फंसा हुआ था तो उन्होंने मुझे यहाँ पे अपने देश उत्तर प्रदेश में बुलाया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं योगी जी को। सर बहुत अच्छे, मतलब सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं वो, जो उत्तर प्रदेश के हैं हमारे। मेरा नाम सालू उपाध्याय है। हम यहाँ यूपी के रहने वाले हैं, जो सूरत में काम करने के लिए गए थे। सूरत में 10 साल से रह रहे हैं, पर वहाँ पे रोज का कमाना रोज का खाना था, जिसकी वजह से अब लॉकडाउन की वजह से हमारा रोज का वो जो दिनचर्या था वो नहीं चल पा रहा था। इसकी वजह से जो मोदी योगी आदित्यनाथ जी ने जो हमारे लिए ये ट्रेन की सुविधा लागू की है कुछ दिनों के लिए, जिसकी वजह से हम अपने अपने गांव घरों में जा रहे हैं, हमें बहुत राहत मिल रही है और ट्रेन में हमें इतनी सुविधा मिली है। इसकी वजह से हम योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उन्हें हम अपना बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत प्रेम प्रकट करते हैं। लॉकडाउन के बीच देश भर में शादी की खबर आ रही है। खास बात यह है कि सभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रशासन की इजाजत से शादी रचा रहे हैं। ऐसा ही देखने को मिला मध्य प्रदेश के बरेसिया में, जहां दुल्हा ने मात्र 5 बरातियों के साथ शादी रचाकर दुल्हन को अपने घर ले गया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल को इस बात की सफाई देनी चाहिए कि क्यों प्रवासी मजदूरों से घर वापस आने का पूरा किराया वसूला जा रहा है। महाराष्ट्र में परप्रांतीय लेबर यानी माइग्रेंट लेबर, इनकी तादाद बहुत बड़ी है। मुंबई में भी इनकी संख्या काफी बड़ी है। ये सब लोग अपने अपने राज्य में, अपने अपने गांव में जाना चाहते हैं। कल के सभी अखबारों में ऐसी खबर छपी थी कि रेलवे प्रशासन 85% इनके टिकट में छूट देने वाला है, लेकिन अभी तक रेलवे प्रशासन के ओर से कोई भी आदेश अभी तक निकले नहीं है। सभी को बताया कि इस कामगारों को गए 45 दिन से कोई काम नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है। ऐसी हालत में रेलवे प्रशासन ने इनके तरफ से उनके राज्य में जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने विचार करना चाहिए। उसके लिए मैं राज्य शासन की ओर से रेलवे प्रशासन को गुजारिश करता हूं कि उन्होंने इनकी टिकट माफ करके इनको बिना टिकट अपने अपने राज्य में जाने की इजाजत देना चाहिए। गुजरात में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें पुलिस खुद अपना स्वागत करवा रही है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। खास बात यह है कि जहां स्वागत करवाया गया वहां 32 लोगों को कोरोना हुआ है। Thank you.
देश भर में कोरोना वॉरियर्स का स्वागत किया जा रहा है, जो लगातार महीने भर से अपने घर से बाहर हैं और पीड़ितों की सेवा में लगी हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक कोरोना वॉरियर जब महीने बाद अपने घर लौटी तो लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया। वंदे भारत अभियान के तहत बाहर फंसे भारतीय नागरिकों को लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में नौसेना ने 2000 नागरिकों को लाने के लिए 2 जहाज कोची और तूतीकोरिन में तैनात कर रखा है। इन द वेक ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड इट्स बिगेस्ट एवर ग्लोबल इवैक्यूएशन ऑपरेशन फॉर मालदीव्स। ऑल्सो द इवैक्यूएशन वी विल विटनेस इन द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड वीक्स विल बी द लार्जेस्ट एवर इन आवर हिस्ट्री। I am grateful to Indian Navy to launch Operation Samudra Setu to evacuate close to 2000 Indians from Maldives to India by creating a virtual sea bridge. INS Jalashwa and INS Magar have already been deployed for this purpose. Evacuation will be in two phases, with the two ships first evacuating Indians to Kochi followed by evacuation to Tuticorin. We are giving top priority to medical cases, to women and to those who have lost their jobs. The evacuation exercise will be a big relief for Indians who have been yearning to join up with their families back in India. The evacuation exercise is also a testimony to the excellent bilateral relationship between India and the Maldives. We have got wonderful support from the government of Maldives, all the ministries and all the agencies, and that's how this exercise has become possible. Lockdown mein police aam aadmi ke liye masiha bankar aa gayi hai. ऐसा ही देखने को मिला झारखंड में। झारखंड के पिछड़ा इलाका गिरडी में पुलिस ने बुजुर्ग के लिए जरूरत की दवाएं धनवाद से जाकर लाई। दवा मिलने पर बुजुर्ग ने पुलिस की इस सेवा के लिए खूब तारीफ की। हम लोग को करीब 7:30 बजे रात्रि में पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक सूचना मिला कि जामताड़ा इलाके में एक वृद्ध व्यक्ति काफी बुरी हालत में है और उन्हें दवाई उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और वो दवाई आसपास के क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए मैं और थाना प्रभारी डुमरी धनबाद से जाकर दवाई लाकर उचित समय पर मुहैया कराए, जिससे व्यक्ति सुरक्षित रहे। लॉकडाउन में रिमोट इलाके में लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में कोई सहायता लेकर पहुंचता है तो वह देवदूत की तरह होता है। ऐसे ही देवदूत बनकर झारखंड के खूंटी के फूदी पंचायत में कोबरा बटालियन पहुंचा और जरूरतमंदों को सामग्री किट उपलब्ध कराया। जो जो कुत्ते हाँ ठीक मजा मजा हाँ हम लोग नायली से आ रहे हैं। अच्छा, कौन दिया राशन? राशन दिया कोबरा बटाल पुलिस लोग जी। अच्छा, तो
तो अभी क्या घर में चावल वावल सब तो खत्म हो गया था होगा? खत्म हुआ था। हाँ हाँ, तो बहुत राहत मिल जाएगा इससे। ठीक, क्या नाम है? रानी संगा। दाल तेल हाँ। साबुन। अच्छा, कौन दिया है? कोबरा बता दिया। अच्छा, जवान लोग। लॉकडाउन के बीच गोरखपुर बेलघाट के नरहट गांव में निचली जाति की लड़की को दबंग ने प्रताड़ित किया, जिसकी सूचना थाने को दी गई है, लेकिन शिकायतकर्ता का कहना है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आई गोत्राल है, सब गई लाने दौराई करे, अकेला हम सुलता लाली है। करे बाद राम भुज नाम का हमारे गांव का एक लड़का आई, फिर बाद हमारे घर के आगे पीछे देख लिया, घर में कोई नहीं था, फिर बाद चला गया, फिर दोबारा आकर हमारे पास बैठ गया, हाथ पकड़ के जबरदस्ती किया। उसके बाद जब मैं डांटी कि तुम चलेगा जाओ, तो वो जा नहीं रहा था, लगा हमारे पास सोकर हमारा कपड़ा उतार दिया हाथ पकड़ के, उसके बाद उल्टा सीधा किया। जब नहीं माना तो मैं चिल्लाई अपने भैया भाभी को, मेरे भैया भाभी आए, तब जितने देर में आते हैं गाली वाली देकर चमारिया की माँ हमारा कुछ नहीं कर पाओगी, हम रोज आए रोज तोड़े लगे ऐसा करब, पुलिस थाना हमारा कुछ नहीं कर पाई, ना ही गाँव जवार कुछ कर पाई। उसके बाद भाग गया जो हमारे भाई भाभी आई ना, उसके बाद आज भाई भाभी को लेकर हम थाने पे गईली, तीन दिन से कुछ हो नहीं रहा है हमारे साथ, और दरखास्त लिखाया आज 5 दिन हो गए। तो ये थी 10 शहरों की 10 बड़ी खबर। नमस्कार।